नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। टी20 मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान के हौसले कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब चुटकी ले रहे हैं। जी हां, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के साथ संबंधों में सुधार लाने की जरूरत है। हालांकि इमरान खान ने टी20 वर्ल्ड कप में मैच में पाकिस्तान की भारत पर बड़ी जीत पर चुटकी लेते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने की बात करने के लिए ये वक्त अभी ठीक नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि रविवार को क्रिकेट के टी20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है। वहीं इमरान खान ने कहा कि हमारे चीन के साथ अच्छे संबंध हैं और हमें भारत के साथ रिश्तों में सुधार लाने की जरूरत है। हालांकि मुझे पता है कि रविवार रात को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बड़ी जीत के बाद भारत के साथ संबंध सुधारने की बात करने के लिए ये वक्त उचित नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि दोनों देशों के बीच सिर्फ एक ही मुद्दा और वो है कश्मीर। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को सभ्य पड़ोसी की तरह इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। वहीं इमरान खान ने पाकिस्तान भारत के बीच अच्छे संबंध होने के फायदे के नाते कहा कि भारत के लिए पाकिस्तान के जरिए पश्चिम एशिया तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पाकिस्तान को दो बड़े बाजारों तक जाने का मौका मिलेगा। मैं यहां सऊदी के कारोबारी समुदाय से यही कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती हैं। वहीं बता दें कि इमरान खान ने इससे पहले कहा था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते अतुलनीय हैं। इमरान खान ने कहा था कि दो पवित्र मस्जिदों की वजह से सऊदी अरब से हमारा गहरा जुड़ाव है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।